कुछ दिनों के बाद इंशाल्लाह अमरावती जाना है मुझे। बहुत फड़फड़ा रही है, वो तो उसकी किस्मत थी कि आखिरी दिन था, मेरी फ्लाइट थी। मेरी फ्लाइट होने की वजह से मैं चला गया था, और हमारे जाने के बाद उसने असद साहब से ये कहा। असद साहब का भाषण सुनिए, असद साहब की तकरीर सुनिए। असद साहब ने अपनी तकरीर के अंदर ये कहा कि हम भगवान राम का आदर करते हैं, लेकिन हम नत्थू राम का आदर नहीं करते। और ये कहती है इस देश में रहना होगा, तेरे बाप के जहेज में आया है क्या ये मुल्क? एक तो हम हल्के लोगों के मुंह लगते नहीं हैं। अगर मुझसे कहती तो भी मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन अगर मेरे खायत के बारे में अगर एक शब्द भी अगर कहा तो मैं कांग्रेस या एनसीपी का वो गुलाम मुसलमान नेता नहीं हूं। सूद के साथ लौटाऊंगा, और यहां पे नहीं, तेरे घर के अमरावती में आकर तुझे चुनौती दे रहा हूं। एक तो हम चिल्लर लोगों के मुंह लगते नहीं है, और अगर तुम ये सोच रहे हैं कि वहां पर तुम्हें महाराष्ट्र के अंदर या दिल्ली के अंदर तुम्हारा बाप बैठा है, और उस बाप की ताकत के ऊपर तुम कुछ भी बोलेंगे, तो एक बात समझ लेना कि तुम्हारे बाप का बाप यहां पर खड़ा हुआ है। सीधा रहो, अच्छा रहो,